हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही अच्छा DI, टेबल DI, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे वो SBI PO का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, प्री में एक टेबल DI आपसे पूछा ही जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि उसमें आपको बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आपको अगर छोटी छोटी ट्रिक्स नहीं पता हैं उसको डिड्यूस करने की, उसको सिंपल करने की, तो आपको वो क्वेश्चन होगा सिंपल ही, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो आपको अगर तरीका सही पता है तब तो आप उसको बड़े आसानी से कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे। वरना आप उसको करेंगे, वहाँ पे समय आपका इतना लग जाएगा, फिर आपके लिए एग्ज़ाम में पता है केवल 20 मिनट का समय होता है, बाकी क्वेश्चन करने का समय नहीं बचेगा और उसी की वजह से सिलेक्शन आपका रुकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इम्प्रूव करते हैं अपनी, तो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहता है। आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा है। ये टेबल बनी हुई है। टेबल में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं। ये 7 स्टूडेंट्स हैं और 7ों स्टूडेंट्स ने 6 सब्जेक्ट में कितने यहाँ पे परसेंटेज में नंबर पाए हैं वो लिखा गया है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो इसका क्या है, मैक्सिमम मार्क है। जैसे इंग्लिश कितने में से हुआ है, 110 में से हुआ है। हिंदी कितने में से हुआ, 120 में से हुआ है। तो ये मैक्सिमम मार्क है और नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है ये नंबर नहीं है बल्कि इनका परसेंटेज है कि इंग्लिश में इसको कितने नंबर मिले हैं, 65%, इसी तरह 75%, 64%, ये सब परसेंटेज में वैल्यूज़ लिखी गई हैं। तो क्वेश्चन अगर आप देखिए तो काफ़ी आसान लग रहा है, लगेगा कि आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपसे कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि विकास साइंस में या फिर SST में कितने नंबर हैं उसके, तो SST में 150 नंबर का ये टोटल पेपर है और विकास के कितने हैं, 76.5। ये नंबर नहीं है, ये है क्या, परसेंट। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि आपको याद रखना होगा कि ये परसेंट में हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ है तो आपको कई बार कन्फ्यूजन होती है कि इतने नंबर वो पाया है कि 76.5 यहाँ पे नंबर पाया है। अगर ये 100 होता, जैसे साइंस का देखिए 100 है, तो इसमें जितना परसेंट है उतना ही नंबर है। अगर ये 72% पाया मतलब 72 नंबर पाया है, लेकिन ये 150 में से, कुछ 80 में से, कोई 120 में से है, तो यहाँ पे 76.5 का मतलब ये नहीं होगा कि इसको इतने नंबर मिले हैं। आपको 150 का 76.5 निकालना होगा। अब ये अगर आप आसानी से या जल्दी से निकाल सकते हैं तब तो क्वेश्चन आसान है। इसमें अगर आपको टाइम लग गया तो क्वेश्चन आपका आसान होते हुए भी टाइम टेकिंग हो जाता है। ओके, टफ नहीं कह रहा हूँ, टाइम टेकिंग कह रहा हूँ। टाइम टेकिंग का मतलब आपको कैलकुलेट करने में जितना समय लगेगा उतना ही क्वेश्चन करने में आपको समय लगेगा। मतलब एक DI जो आपका 2 से 3 मिनट में हो सकता है, वही आप 10 से 15 मिनट में करेंगे। मतलब इतने में अगर आप 3 DI कर सकते हैं तो इतने में आप केवल 1 DI सॉल्व करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेंड बाय समर्थ इन ऑल 6 सब्जेक्ट, कि समर्थ को 6 सब्जेक्ट में मिला करके टोटल एग्रीगेट मार्क पूछा है, मतलब टोटल नंबर कितने मिले हैं ये आपको निकालना है। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है कि आप यहाँ पे जब परसेंटेज देखेंगे समर्थ के, ये 44% है, ये 72.5% है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ इन परसेंटेज को लेकर के एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, एवरेज निकाल करके जो भी यहाँ पे आप समझते हैं कि नंबर आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे वो तरीका चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सबके मैक्सिमम मार्क्स सेम होते तब तो तरीका चल जाता, सबके मैक्सिमम मार्क्स अलग हैं। जैसे अगर समर्थ चारों ये जो 6 सब्जेक्ट में 44% नंबर पाया होता तो इंग्लिश में उस 44% का कुछ मार्क आता क्योंकि 110 में से है, हिंदी में 44% का मार्क कुछ और आता क्योंकि 120 में है, साइंस में 44 का मतलब 44 होता, बाकी सब में इसी तरह अलग अलग होता। तो यहाँ पे आपको यही समझना है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे, जैसे आप इंग्लिश का लीजिए सबसे पहले, तो आपको निकालना है 110 का 44%। अब ये कितना तेज़ी से आप निकाल सकते हैं, ये बहुत तेज़ी से आप निकाल सकते हैं। और आपको पता है 11 से कैसे मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे
8 आ जाएगा, और ये आपका 44% है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, इतने नंबर ये होंगे, 110 का 44% इतना आएगा। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। कुछ इसी तरह की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं छोटी छोटी मैंने आपको बता रखी हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है स्पीड मैथ के नाम से, आप उसको जा करके देखिए, उसमें सब मैंने बता रखा है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन करना छोटे छोटे, कैसे आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में तेज़ी से, सब बता रखा है, आप देखिए उसको। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे देखें, जैसे 72 पॉइंट में 5 है, कितने में से, 120 में से, तो 120 में से अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 120 का हम 72.5% कैसे निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अगर केवल आप इस 72.5 को कैसे लिख लीजिए, इसको अगर आप ऐसे दिमाग में सोचिए कि 70+2.5 लिखा है, अगर आप ऐसे सोच लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे 12 × 7 = 84 होता है, तो 120 का 70% निकालना बड़ा आसान होगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। ओके, 84 आ गया। फिर 12 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करना क्या है, केवल 12 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब आपको 2.5% कितना मिल गया, 3 मिल गया। 84 + 3 कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, 87। ओके, अब देखिए अगर मुझे एग्ज़ाम में करना होता तो केवल ये जो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, केवल आप मैं केवल दिमाग में करता और कुछ नहीं, 70 + 2.5, 12 × 7 = 84 और 2.5 का मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, 3 यहाँ पे आएगा, ऐड कर दूंगा, ख़त्म कहानी। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 68। अब 100 का 68% कितना होगा, ये तो 68 ही होगा और कुछ नहीं करना। 150 का 89.5% कितना होगा, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि अब ये तो थोड़ा कठिन हो सकता है कि 150 का हम 89.5% कैसे निकालेंगे, या तो एक तरीका ये हो सकता है 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, 15 × 5 = 75, फिर ऐसे करके। दूसरा तरीका ये हो सकता है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि अगर आप इस 89.5 को ऐसे विजुलाइज़ कर सकते कि ये क्या लिखा है, 90 − 0.5, अब 15 को 90 से गुणा करना है, 15 को 9 से गुणा करना तो आसान है, कितना आएगा, 135 आएगा, 15 × 9 कितना होता है, 135। फिर 15 को 0.5 से, 15 × 5 कितना होता है, 75 होता है, मतलब ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.75, आपको बस माइनस कर लेना है 135 में, 0.75 आप माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 134.25, बस हो गया, और क्या करना है। तो अगर ये तरीके आपको आते हैं कितना आसान हो जाता है, देखिए कैलकुलेशन आपके लिए मतलब एकदम खेल हो जाता है, मज़ा भी आता है करने में। जैसे आपको 80 का 95 निकालना है, 80 का 95%, ये भी बड़ा आसान है, वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी देखिए 90 + 5 कर लीजिए, 8 × 9 = 72, मतलब कितना हो जाएगा, 72, 8 × 5 = 40, 72 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 76, तो ये क्या आ गया, 76 आ गया। फिर ये 100% नंबर इसमें पाया है, मतलब पूरा का पूरा 90 नंबर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है एग्रीगेट मार्क्स कितने आए हैं उसके, तो एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, अब आपको बस ऐड करना है सारे, यहाँ पे देखिए जैसे ये 0.4 है और ये 0.25 है, तो ये ऐड करेंगे तो 0.65 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करिए, 8 × 7 = 15 हो जाएगा, 15 × 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 × 4 = 27, 27 × 6 कितना हो जाएगा, 33, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 ऐड कर दिए, 4 × 3 = 7 = 8 = 15, 15 × 6 = 21, 21 × 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 × 7 कितना हो जाएगा, 31, 31 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40, तो यह आ गया 0, यहाँ पे 1 है, 4 × 1 = 5, कितना गया, 503.65। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो ये मैंने जो आपको यहाँ पे तरीके बताए हैं सॉल्व करने के, ये आपको ध्यान रखने हैं बस और कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन ड्राइंग, कि ड्राइंग में सभी स्टूडेंट्स ने कितने एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये आपको बताना है। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एवरेज मार्क्स पूछा जा रहा है या फिर एवरेज परसेंटेज पूछा जा रहा है, यहाँ पे मार्क्स पूछा गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको जैसे अभिनव है, इसने 55% पाया है, तो 80 का 55% निकाल लीजिए, फिर 42.5% निकाल लीजिए, फिर 27.5% निकाल लीजिए 80 का, ऐसे करते जाइए, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग है। यही तरीका आपको समझना है कि आपको कब ये अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे जब टोटल मार्क्स इसका क्या है, सबका सेम है,
मैक्सिमम मार्क्स जो इसका आ रहा है वो 80 ही है, सबका सेम है। ओके तो 80 मैक्सिमम है, मतलब इसका जो बेस है वो सेम है, तो सारे परसेंटेज को आप इकट्ठा ऐड कर सकते हैं और इकट्ठा आप नंबर यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। अभी हम ऐसे चल रहे थे, रो में चल रहे थे, तो सबका मैक्सिमम अलग अलग था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब हम कॉलम में अगर चलेंगे तो देखेंगे इसका मैक्सिमम तो एक ही है, सबके लिए 80 रहेगा। तो आप अलग से 55% बैलेंस दो, 5% और ऐसे नहीं निकालेंगे, आप इस पूरे का एवरेज निकाल लीजिए, परसेंटेज का एवरेज कितना आता है, और फिर आप उसको डायरेक्ट 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया, आंसर आ गया। ये तरीका अगर पता है एग्ज़ाम में तो आप आसानी से कर लेंगे। अब इसको आप निकाल सकते हैं, जैसे ये 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, और 90 और 8 कितना हो जाएगा 170, 170 में 80 जोड़ेंगे 250, 60 जोड़ेंगे तो 310, 310 में 9 जोड़ेंगे 400, और यहाँ पे 70 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 470। ओके ये मतलब सीधा सीधा कितना आया 470। यहाँ पे बाकी वैल्यू जो है जैसे 5 2 7, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 2 24, और 24 और 5 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29, तो ये आ गया 29। ओके यहाँ पे 0.5 देखिए कितनी बार है, तो 0.5 यहाँ पे 4 बार है, मतलब ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 2, या फिर आप इसको डायरेक्ट फिर 29 में 2 जोड़ करके 31 कर लीजिए, तो ये कितना हो गया टोटल, तो ये आ गया आपका 501। ओके लेकिन ये क्या है, टोटल जो परसेंटेज है उसका सम आया हुआ है, आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में आपको कितने स्टूडेंट्स हैं देखिए, तो 7 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 7 = 49 होगा, 1 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 7 × 7 = 7 होगा, फिर पॉइंट आप लगाएंगे कितना यहाँ पे बचेगा, 4 बचेगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ओके फिर ये 50 होगा, फिर 7 × 7 = 49 होगा, तो आप इतना ही रखिए क्योंकि 2 पॉइंट तक यहाँ पे लिखा गया है। अब 80 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आपको प्राप्त हुआ है ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब 80/100 कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये 0.8 हो गया। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 8 से तो गुणा कर सकते हैं आसानी से, 8 × 5 = 40 हो गया, 0 8 × 8 = 12 हो गया, 8 × 7 = 56, 56 × 57 तो 57.20। ओके मैंने यहाँ तक लिया ताकि आपको एक अनुमान हो जाए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे ऑप्शन इससे काफ़ी दूर दूर हैं, केवल पांचवा वाला जो ऑप्शन है यही इसका करेक्ट है, तो इस पर आप टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके आगे हम देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट परसेंटेज इज़ बेस्ट, कौन से सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज है वो सबसे अच्छा है, मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसको कैसे देखेंगे, अब इसके लिए क्या होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि टोटल यहाँ पे जो एवरेज आता है वो कितना आ रहा है हर एक सब्जेक्ट में। ओके फिर जो मैक्सिमम होता है वही आपका कह सकते हैं कि परसेंटेज, वही आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स के लिहाज से कि उसमें सबसे अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो इसको करने में तो टाइम लगेगा, आप यहाँ पे सारे परसेंटेज को चाहे ऐसे जोड़ लीजिए कि टोटल परसेंटेज कितना था, एवरेज ना भी निकालिए, एवरेज की जगह आप केवल सम कर लीजिए। ओके तो आपको पता चल जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो आप याद रखिए आपसे परसेंटेज जब पूछा गया मार्क्स नहीं पूछेंगे, और पूछता कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो उसका कुछ और नंबर होता है। जैसे अगर ये सब में 90-80% भी होता है और इसका टोटल मार्क 80 है तो भी यहाँ पे जो ड्राइंग में बच्चा होता है वो कभी SST वाली के बराबरी नहीं कर पाता क्योंकि वो 150 नंबर में से है, 70 नंबर उसका पूर्णांक ये ज़्यादा है मैक्सिमम नंबर। तो अगर वो यहाँ पे 75 भी लाते हैं सारे बच्चे तो भी आसानी से उसको सरपास कर जाते। तो आपसे मार्क नहीं पूछा गया, आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई है क्योंकि परसेंटेज तो सबका सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे 65% लिखा है, 110 का 65% है, ये 70% लिखा है, मतलब ये 120 का 70% है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो आपको सेम वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ओके तो परसेंटेज में आपको बताना है कौन सा आपका बेस्ट है सब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप सब कैलकुलेट मत करिए, सबसे पहले आप उनको निकाल लीजिए कि जो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं उसको आप ऑप्ट आउट कर दीजिए कि वो तो नहीं हो सकते हैं, फिर बाकी जो एक या दो बचेंगे केवल उनमें ही कंपैरिजन आपको करनी होगी। तो हम अगर देखें यहाँ पे 5 ऑप्शन है, एक हिंदी है, फिर साइंस है, SST है, इंग्लिश है, ड्राइंग है, मतलब कंप्यूटर को तो इसने लिया ही नहीं है, तो हम भी कंप्यूटर को नहीं लेंगे, कंपैरिजन में ही नहीं लेंगे, कोई बात नहीं।
फिर हम आते हैं यहाँ पे पांच सब्जेक्ट बचे, अब कैसे करेंगे? अगर हम देखें अभिनव को, तो अभिनव ने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं? तो सबसे ज़्यादा किया है SST में 81%। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे साइंस है, और यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे देखें तो ये हिंदी है। हम केवल अगर ऐसे ही देखें 1, 2, 3 की यहाँ पे रैंकिंग करें सब्जेक्ट वाइज, अभिमान को देखिए तो सबसे ज़्यादा उसके किस में नंबर आए हैं, 84% हैं इसमें। फिर उसके बाद इंग्लिश में आए हैं, और फिर यहाँ पे किस में है, थर्ड नंबर पे ये है। फिर हम रीमा को देखें तो रीमा के सबसे ज़्यादा SST में आए हैं, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे साइंस है, नहीं यहाँ पे दूसरे नंबर पे ड्राइंग है, फिर तीसरे नंबर पे साइंस है। प्रत्यूष को अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा नंबर उसके इंग्लिश में आए हुए हैं, और उसके बाद फिर अगर आप दूसरे नंबर पे देखिए तो ड्राइंग है, और तीसरे नंबर पे SST है। इसी तरह आप देखिए विकास के लिए आप देखिए तो सबसे ज़्यादा नंबर उसको प्राप्त हुए हैं किस में, हिंदी में, उसके बाद किस में प्राप्त हुए हैं, फिर इंग्लिश में प्राप्त हुए हैं 85, और फिर किस में प्राप्त हुए हैं, साइंस में 84। फिर हम समर्थ का देखें, सबसे ज़्यादा उसको SST में मिले हुए हैं, SST नहीं ड्राइंग में, फिर SST में, और उसके बाद यहाँ पे, ओके। फिर हम तीसरे कुणाल को देखते हैं, सबसे आखिर में जो बचा हुआ तीसरा का, सबसे ज़्यादा नंबर उसके साइंस में आए हुए हैं यहाँ पे देखिए, और उसके बाद फिर कंप्यूटर का तो बात ही नहीं हो रही है, कंप्यूटर की फिर दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे पे ड्राइंग और इंग्लिश में टाई है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या समझ में आता है कि अगर यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश को देखिए तो ये दूसरा, तो पहला दूसरा, यहाँ पे कितने यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ पे स्कोर किए हैं, तो 1, 2, 3, 4 हैं। हिंदी में देखिए तो 1, 2, 3, केवल 3 ही बच्चे यहाँ पे रैंक लाए हैं, तो आप इसी से आप कह सकते हैं कि हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। साइंस और SST में देखिए तो आप देखेंगे कि लगभग आप यहाँ पे देखिए सब, मतलब 7 बच्चे हैं तो 6 यहाँ पे स्कोर आ रहा है दोनों में, टाई हो रहा है, ओके। और यहाँ पे आप इंग्लिश को देखें तो 1, 2, 3 यहाँ पे 4 ही हैं, ओके। और आप इन दोनों में अगर आप देखिए भी तो ये 100 नंबर का है, 150 नंबर का है, और 110 नंबर का है, तो यहाँ पे केवल 4 ही बच्चे हैं, यहाँ पे 5-5 बच्चे आते हैं, तो आप इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम प्राप्त नहीं होगा। तो इन दोनों में कंपेरिजन आप करिए, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने नंबर पाया है, तो वो कौन सा है? तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही देखना चाहें कि आप देखिए इसमें फर्स्ट कितने हैं, 1 और 2 हैं यहाँ पे फर्स्ट, ओके, 84 और 85 हैं, यहाँ पे फर्स्ट कितने हैं, 81 और 96 यहाँ पे फर्स्ट हैं, सेकंड इसमें 2 बार हैं, सेकंड इसमें 1 बार है, इसमें थर्ड 3 बार, इसमें थर्ड केवल 1 बार है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस ही देख करके, ये 72 है, ये 81 है। अगर आप देखिए तो यहीं पे आपको क्या मिलता है, +9 मिलता है, ये कितना है 84 है, और ये कितना है 68 है, यहाँ पे आप देखिए तो ये -14 मिलता है, ये 77 है और ये 96 है, तो ये +19 आप कह सकते हैं। यहाँ पे 75-84 है परसेंट में, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है +9, ये 84 और 76 पॉइंट में 5 है, तो ये माइनस में जा करके ये 7.5 या 8 के आसपास समझ सकते हैं, ये 68 या 89.5 है, आप देख लीजिए, आप कंपैरिजन करके भी देख लीजिए, यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे ये देखिए कितना इससे ज़्यादा है, 78 और फिर 88, मतलब 20% से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्लस है। तो अगर आप देखिए तो ये प्लस में ज़्यादा मिल रहा है, और साइंस के अगर सापेक्ष में देखिए तो आपको यही समझ में आता है कि जो SST है उसी में जो बच्चे हैं उन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन करें और तभी आपको आंसर मिले, इसी तरह भी आप यहाँ पे कंपेयर करके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके भी, बिना देखिए पूरी कॉपी अगर आप देखिए पूरी सादी ही यहाँ पे रहेगी, और आप केवल यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए मार्क्स का कि किस में कितने नंबर आए हुए हैं, वहीं से आप इसको टिक कर सकते हैं, ओके, SST इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। द मार्क्स स्कोर बाय प्रत्यूष इन हिंदी इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द मार्क्स स्कोर बाय विकास इन SST, अप्रॉक्स में बताना है कि प्रत्यूष के हिंदी के जो मार्क्स हैं वो विकास के SST के मार्क्स से कितना अधिक या कम, अधिक हैं या कम है, आपको परसेंटेज में बताना है, एक्स इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन वाई, तो एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू में 100। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तब नंबर ज़्यादा है, इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो नंबर कम है, तो आपको बस ऊपर वाले की वैल्यू देखनी है।
तो अगर आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के मतलब कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है आप प्रत्युष को देखिए, हिंदी में कितने नंबर हैं उसके, तो ये 78% हैं। टोटल कितना है, तो ये है 120%, तो एक्स की वैल्यू ये हो गई। विकास की बात हो रही ना, विकास ने SST में कितने पाए हैं, 76.5% पाए हैं, उसका टोटल कितना 150 का है, तो ये वाई हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स की जगह पे 120 इंटू में 78 माइनस में वाई की जगह पे 150 इंटू में 76.5 अपॉन में 150 इंटू में 76.5 इंटू में 100, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में देखिए ये 120 है, ये 150 है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 30 कॉमन ले सकते हैं। अगर 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। 78 को 4 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाए, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 280 में जोड़ेंगे तो 32 तो कितना जाएगा, 312। माइनस में ये तो यहाँ पे 5 बचता है, तो अगर आप देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, ये 75 को 5 से करेंगे तो कितना जाएगा, 375, और 15 5 75, मतलब 7.5 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 375 प्लस 7.5 करेंगे तो 381.5। ये कैलकुलेशन जो है ये आपको ओरल करना आना चाहिए, 5 1 5 5 2 10, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए, कर सकते हैं, वो गलत नहीं है ना, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात है हंसने की बात है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बचना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको मेंटली कैलकुलेट करने का प्रयास करिए। इसी तरह नीचे क्या हो गया, ये 150 और ये हो जाएगा 76.5 इंटू में 100 को कभी मत भूलिएगा। 30 से काटिए तो ये 5 बार में कट जाएगा। इन दोनों को घटा करके देख लीजिए तो आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे 70 का डिफरेंस आ रहा है, 70.5 का घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, 70.5 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ओके, और नीचे अगर आप वैल्यू को देखिए तो नीचे वैल्यू क्या है कि 76.5 बची हुई है। ओके, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कैंसिल आउट करिए। इसको इसको गुणा कर लीजिए, 70 गुणे में 20 अगर करेंगे तो 1400 होगा, और 20 5 100 तो कितना हो जाएगा, 1410। तो आप देखिए वैल्यू सिंप्लीफाई होकर कितनी आ गई, 1410 डिवाइडेड बाय 76.5, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो माइनस आया हुआ है, ये वैल्यू ये बड़ी है, यहाँ पे बताना भूल गया मैं कि अगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि 312 छोटा है इससे, तो आप समझ सकते हैं कि माइनस में वैल्यू आई हुई है, मतलब लेस वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो मोर वाला जो ऑप्शन है वो तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब लेस वाले में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस उस पर आपको ध्यान देना है कि उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप देख सकते हैं तो 1410 से नीचे 76.5 है। तो अगर आप ऐसे ही सोचिए कि ये 75 अगर होता, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू पूछा है ना, अगर ये 75 होता तो 75 गुणे में 2 150 होता, मतलब ये 150 तो है नहीं, 150 से कम ही है, और ये भी 75 नहीं बल्कि 76 है, ज़्यादा ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये 20% के आसपास ही कोई वैल्यू होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, यहाँ पे वैल्यू देखिए कम है, तो आप 20% से ऊपर की जो वैल्यूज, जैसे ये आप इसको भी काट सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आपको देखना क्या है कि 16.4 ये वैल्यू होगी या फिर 18.43 ये वैल्यू होगी लेस, आपको केवल एक एजुकेटेड गेस लगाना है। कैसे आप लगा सकते हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं, आपको पता है कि ये 20% वैल्यू नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो 16% हो जाए। ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखें, आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको 75 और 1.5 में अगर ब्रेक कर लें तो 16 5 80 हो जाएगा, 16 7 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 1200 आ जाएगा। ओके, और ये 1.5 है और ये कितना है, 16 है, तो आप ऐसे देख लीजिए 15 × 15, और उसमें आपको 16 मतलब 1 15 और ऐड करना है, 240 हो जाएगा, मतलब 24 और ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा इसका, 1224 आ जाएगा। 1224.4 है, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, मतलब 1300 के आसपास भी आपकी वैल्यू नहीं पहुंचेगी। तो ये जो 1410 है ये क्या इसके आसपास रहेगा, नहीं। अगर आप यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको यहाँ पे 18 कर लीजिए, अब केवल 75 का मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको क्या समझ में आता है, 18 से करेंगे, 18 5 कितना होता है, 90 होता है, 18 5 90, और इसमें आपको 18 × 7 करिए कितना होता है, तो ये आपका 126 होगा, उसमें 9 जोड़ दीजिए और, तो कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। तो ये आपकी 1300 से ऊपर वैल्यू आ रही है, तो दोनों में आपको ऐसे ही डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि इसका पाँचों वाला ऑप्शन ही सही होगा। इतना आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में पता रहे दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको टिक करनी है,
ये आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ओके, ये इसको करने का एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 120 का 78% निकाल लीजिए और 150 का 76.5% निकाल लीजिए, आसानी से सारी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी। आपको केवल माइनस करके देख लेना है कौन सी वैल्यू इसका, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। आपके लिए निकालना भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, 12 से केवल मल्टीप्लाई करना है। या 12 8, आपको पता होगा 12 8 96 होता है, मतलब 960, उसमें से आपको 24 घटा देना है। 960 में से 24 घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये कितना गया 93.26, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह 150 है और ये क्या है, आप इसको 75 + 1.5 में ब्रेक कर लीजिए, 75 करेंगे 12 या मतलब 75 गुणे में 15 कर लीजिए, फिर 1.5 15 गुणे में 15, ये आपका 22.25 आ जाएगा। और इसके अलावा आप अगर 75 और गुणे 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 गुणे में 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 750, और 5 और ऐड कर दीजिए उसमें, मतलब 375 और ऐड कर दीजिए, तो 750 और 375, 5 7 5 12 7 3 10 11। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22.5, ये 5 5 2 7 और ये 4 और ये 1, कितना आ गया 114.75। ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता चल गई, आपके लिए आंसर अब आसानी से आ सकता है, घटा करके निकाल लीजिए। अब अगला सवाल है, रीमा टोटल स्कोर इज़ हाउ मच लेस देन द विकास टोटल स्कोर, कि आपको बताना है रीमा का जो टोटल स्कोर है विकास के टोटल स्कोर से कितना कम है, अप्रॉक्स में आपको आंसर करना है। और पहले ही पता चल चुका है कि ये लेस ही होगा। ओके, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको रीमा का टोटल स्कोर, आप रीमा की रो को देखिए, आपको 110 का 64% निकालना है, ऐसे निकाल सकते हैं, और फिर 66.67% निकाल सकते हैं, 120 का 77% निकाल सकते हैं, और ऐसे आप निकाल करके आपको सब नंबर पता चलते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, फिर आप उसको ऐड कर लीजिए तो आपको एक टोटल स्कोर मिलेगा। यही काम आपको विकास के साथ करना है तो आपको उसका टोटल स्कोर मिलेगा। फिर दोनों को आप माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितने का है, वही आपका आंसर होगा। ये इसको करने का एक तरीका हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का, कि अगर आप जैसे आप यहाँ पे आइए, रीमा और विकास को देखिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो दोनों का कॉमन ही होगा ना, 110। तो आप अगर केवल इनके परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के देखिए कि यहाँ पे अगर मैं रीमा के टोटल स्कोर की बात हो रही है कि कितना कम है, तो आप देखिए डिफरेंस कितने का है, तो आप देखिए तो ये 64% है, ये 85% है, तो रीमा का स्कोर 21% इससे कम है। ओके, 21% किसका, 110 का। ओके, तो 110 का 21% आप निकाल लीजिए। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए 66.67 है, ये 92.5 है, तो अगर मैं इसमें 6% और ऐड कर दूं तो 72.67 हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं 20% और ऐड कर दूं तो लगभग आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका 26% आपका कम है। ओके, यहाँ भी देखिए मैं निगेटिव का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि कम है रीमा का स्कोर, और इसका टोटल स्कोर कितना है, 120, तो आप ये निकाल लीजिए। इसी तरह आप सबका देख लीजिए, ये 77 है, ये 84 है, ये 7% पे हो गया इसका। तो खैर आपको अगर 7% है, 100 का 7% कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, आपको ये तो पता चल गया कि ये 7 ही होगा यहाँ पे हम। और लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आप लगा के रखिएगा क्योंकि कम है, यहाँ पे 96 और यहाँ पे 76.5 है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं 20 अगर आप ऐड करिए, 0.5 या ज़्यादा है, मतलब 19.5% आप निकाल लीजिए किसका, 150 का, 150 का, तो आपको ये पता चल जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि रीमा का स्कोर यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए तो ये कितना है, 62.5, ये कितना है, 87.5, 5 इसमें ऐड करिए 67, 20 और ऐड करिए, मतलब 25% सीधा सीधी वैल्यू आ गई, 25% किसका, 80 का, ये वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी। इसी तरह यहाँ पे 62.5 है, ये 55 है, तो 7 5 12, मतलब 7.5 आप निकाल लीजिए, परसेंट कितने का, 90 का। तो आप अगर ये सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। 21% 110 का कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 23.1। 26% 12 का कितना होगा, तो अगर आप देखिए 25 होता, 12 होता, 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते कितना आता, 30 आता, और यहाँ पे एक और जुड़ता मतलब 1.2 होता, तो लगभग ये आपका 31.1 समथिंग आता, तो 31 ही हम ले लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यूज़ आपको नेगेटिव वाली प्राप्त होगी, अगर आप इनको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 38 होगा, 31 और 7, और इसमें 23 ऐड करिए तो 3 ऐड करेंगे 38 में, 41 और 20 61, तो ये कितना आ गया, 61.1।
इसी तरह आप पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ऐड करिए, ये अगर मैं कह दूं कि ये 19.5 अप्रॉक्स ले लूं, अगर 20% होगा तो कितना होगा, 30 होगा, ये इसका 25% कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 7.5% अगर निकालेंगे 90 का, 9 × 7 = 63 और 9 × 5 = 45, तो ये आपका 6.75 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। इसको अगर आप ऐड करिए 20 और 30 = 50 और ये 56 आ गया, ये कितना आ जाएगा 56.75। अब आपको क्या पता है कि ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, डिफरेंस कितने का है, देखिए 5 अगर मैं ऐड कर दूं तो लगभग 5 के आसपास ये इसका डिफरेंस आपको पता चल रहा है, इसी के आसपास ये डिफरेंस होगा। तो 5 नंबर का डिफरेंस देखिए कहीं आ रहा है क्या, ये तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये काफ़ी कम है, 3.5 है, इतना नहीं होगा, 5 के आसपास ये डिफरेंस होगा, तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। तो आपको इसको करने के दो तरीके थे, एक तो ये ऐसे आप कर सकते थे जैसा मैंने यहाँ पे किया है, दूसरा आप टोटल करके भी कर सकते थे, वो भी तरीका सही, बस उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो आपको स्मार्टली इसको सॉल्व करना है, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ सवाल मैं आपके लिए भी यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे एक सवाल है कि हु स्कोर्ड लोएस्ट इन ऑल 6 सब्जेक्ट, कि सभी 6 सब्जेक्ट में कौन ऐसा है जिसके सबसे कम यहाँ पे स्कोर हैं, अगर आप वो निकाल सकें किसी तरीके से, मतलब कोई ऐसी स्मार्ट ट्रिक लगा करके, तो आप निकाल के बताइएगा कि कौन ऐसा है जिसका सबसे कम स्कोर है। जैसे भी हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे कि हम विजुअली भी देख सकते हैं कि स्कोर किसके कम आ रहे हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है, व्हाट इज़ अभिनव टोटल परसेंटेज इन द एग्ज़ाम, कि अगर आपको किसी का ओवरऑल परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे अभिनव का पूछा है कि ओवरऑल परसेंटेज कितना आया है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सारे परसेंटेज को आप ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, नहीं, क्योंकि सब का यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो अलग अलग है, इसलिए आपको नंबर से इसको निकालना होगा। तो इसको आप निकाल करके देखिएगा कितना आता है, दोनों के जो आंसर हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप निकाल लेते हैं इसको एक मिनट से कम में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना क्वेश्चन में, सिंपल डेटा है, लेकिन टाइम टेकिंग ये आपका क्वेश्चन होगा। अगर आपको छोटे छोटे जो तरीके हैं माइंड कैलकुलेशन के, और आप ओरल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता है, तो आपका ये टाइम ले जाएगा क्वेश्चन, ओके। और प्री एग्ज़ाम में टेबल डीए पूछा जाता है इस तरह का, ओके। तो आपको अगर इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चाहते हैं इस तरह वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।